Good morning students, I am R.S. Jangid. Welcome to my channel. Today I am going to teach you class 10th, chapter 6, Golden Age. आज मैं बात कर रहा हूँ गोल्डन एज के चैप्टर 6 की. व्हाट इज अमिस विद अस? अमिस मीन्स होता है रॉन्ग, लैकिंग, दोष, कमी, कि हमारे अंदर क्या कमी है, हमारे अंदर क्या दोष है. व्हाट इज अमिस विद अस? अमिस विद अस का मतलब है हमारे अंदर क्या दोष है, हमारे अंदर क्या कमी है. इन इंडियन इंटेलेक्ट, भारतीय प्रतिभा. आवर्स इज ए नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स. हमारा राष्ट्र जो है इंटेलेक्चुअल्स, इंटेलेक्चुअल्स मीन बुद्धिजीवियों का, हमारा राष्ट्र बुद्धिजीवियों का राष्ट्र है. इट इज नॉट सैड आउट ऑफ सीयर पैट्रियोटिज्म. इट इज नॉट सैड, ये नहीं कहा गया है आउट ऑफ सीयर पैट्रियोटिज्म. सीयर मीन्स केवल, मेयर, पैट्रियोटिज्म देशभक्ति, ये केवल देशभक्ति के कारण से नहीं कहा गया है. स्टडीज एट होम एंड अब्रॉड हैव रिवील्ड दैट. स्टडीज एट होम, होम का मतलब यह घर से नहीं है, होम का मतलब देश से है. हमारे देश में जो अध्ययन किए गए उनके माध्यम से, एंड अब्रॉड और विदेश में जो अध्ययन किए गए हैं उनके द्वारा जो हैव रिवील्ड इट, इसको प्रकट किया है, यानी इसे बताया है. नॉट लॉन्ग अगो ए स्टडी वॉज अंडरटेकन इन द स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन टू फाइंड आउट चिल्ड्रन ऑफ विच नेशन एक्सेल्ड इन इंटेलिजेंस. नॉट लॉन्ग अगो, थोड़े ही दिनों पहले, नॉट लॉन्ग अगो का मतलब है थोड़े ही दिनों पहले, ए स्टडी वॉज अंडरटेकन, एक अध्ययन किया गया, इन द स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के विद्यालयों में, टू फाइंड आउट, ये पता लगाने के लिए, चिल्ड्रन ऑफ विच नेशन, कि कौन से राष्ट्र के बच्चे एक्सीड इन इंटेलिजेंस, वो बुद्धिमता में, इंटेलिजेंस में उत्कृष्ट हैं, इस बात के ऊपर एक अध्ययन ब्रिटेन के स्कूलों में किया गया. इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंडियंस वर सुपीरियर टू द नेटिव्स ऑफ अदर कंट्रीज. इट वॉज डिस्कवर्ड, ये खोजा गया, दैट कि इंडियंस वर सुपीरियर, कि भारतीय जो है सर्वश्रेष्ठ थे, सुपीरियर थे, टू द नेटिव्स ऑफ अदर कंट्रीज. टू द नेटिव, नेटिव मीन मूल निवासी, जो दूसरे देशों के जो मूल निवासी थे उनसे भारतीय अधिक श्रेष्ठ थे. इफ दैट इज द ट्रूथ, वाई वी आर लैगिंग बिहाइंड अदर सुपर पावर्स. इफ दैट इज द ट्रूथ, यदि यह सत्य है, देन वाई वी आर लैगिंग बिहाइंड, तो हम पीछे क्यों हैं. लैगिंग बिहाइंड का मतलब पीछे. वाई वी आर लैगिंग बिहाइंड अदर सुपर पावर्स, हम दूसरे जो सुपर पावर हैं उनसे पीछे क्यों हैं. Why there is brain drain from our country to other affluent nations? Why, क्यों जो है, there is brain drain. Brain drain means प्रतिभा पलायन. तो फिर प्रतिभा पलायन क्यों हो रही है. From our country, हमारे देश से, to other affluent nations. दूसरे जो है, जो affluent, जो rich and wealthy जो nations हैं, जो उन्नत राष्ट्र हैं, धनवान धनी राष्ट्र हैं, उनसे जो है हमारा देश, हमारे देश से उनमें प्रतिभा पलायन क्यों हो रहा है. Why our import exceed our exports? और हमारा जो import है, हमारा जो आयात है, exceed our exports, वो हमारे निर्यात से अधिक क्यों है. Why we look to developed nations for help and aid? Why we look, हम क्यों देखते हैं, to developed nations, हम विकसित राष्ट्रों की ओर क्यों देखते हैं, for help and aid, सहायता के लिए हम विकसित राष्ट्रों की तरफ क्यों देखते हैं. Where we are amiss, हम में कहां दोष है, हम में कहां कमी है. Saying so does not mean our progress is not. Saying so, ऐसा कहने का तात्पर्य, does not mean, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि our progress is not, not means zero, कि हमारी progress कुछ भी नहीं है, nothing, zero है. The Bhakra Nagar dams, Bhilai, Rourkela, Durgapur steel plant and Tarapur nuclear reactor, etc. आर सम ऑफ आवर बिग अचीवमेंट्स. द भाखड़ा नांगल डैम, भाखड़ा नांगल बांध, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट और तारपुर न्यूक्लियर रिएक्टर इत्यादि जो है आर सम ऑफ आवर बिग अचीवमेंट्स, ये हमारी कुछ बड़ी अचीवमेंट्स हैं, कुछ बड़ी उपलब्धियां हैं. बट इन द ग्रैंड्योर ऑफ द बिग द स्मॉल हैज बीन नेग्लेक्टेड. लेकिन ग्रैंड्योर, ग्रैंड्योर का मतलब होता है वैभव या भव्यता में, ऑफ द बिग,
बड़े की भव्यता में, बिग की भव्यता में, वैभव में द स्मॉल हैज़ बीन नेग्लेक्टेड। स्मॉल को, लघु को, छोटे को जो है क्या कर दिया गया है, नेग्लेक्ट कर दिया गया है। ई एफ शूमेकर वॉज नॉट रॉन्ग वेन ही कैप्शन्ड हिज बेस्ट सेलर स्मॉल इज ब्यूटिफुल। ई एफ शूमेकर एक जो राइटर था वॉज नॉट रॉन्ग, वो गलत नहीं था। वेन ही कैप्शन, जब उसने टाइटल, उसने शीर्षक दिया, कैप्शन मीन्स टाइटल, शीर्षक दिया हिज बेस्ट सेलर, अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक का शीर्षक दिया, उसने क्या दिया, स्मॉल इज ब्यूटिफुल, स्मॉल जो है वो ब्यूटिफुल है, सुंदर है। हियर आर ए फ्यू इंस्टांसेस टू शो हाउ द नेग्लेक्ट ऑफ दीज स्मॉल बट इम्पोर्टेंट इश्यूज हैज हैम्पर्ड आवर ग्लोरी। हियर आर ए फ्यू इंस्टांसेज, यहाँ पर कुछ जो है, ए फ्यू मीन्स कुछ, इंस्टांसेज मीन्स एग्जाम्पल्स, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ उदाहरण है, टू शो, ये दिखाने के लिए कि हाउ द नेग्लेक्ट ऑफ द स्मॉल, कि स्मॉल के नेग्लेक्ट में कैसे, बट इम्पोर्टेंट इश्यूज, लेकिन जो इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण जो इश्यूज हैं, महत्वपूर्ण जो मामले हैं, हैज हैम्पर्ड आवर ग्लोरी, उन्होंने हमारी जो ग्लोरी है उसको, सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस, सोशल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार एंड सिविक सेंस, और नागरिक भावना या नागरिक बोध। हियर वी आर एट द लोवेस्ट एप, यहां पर हम सबसे निम्न अवस्था, लोवेस्ट एप मीन्स, एट द लोवेस्ट एप मीन्स होता है सबसे निम्न अवस्था में, यहां पर हम सबसे निम्न अवस्था में हैं, सबसे निम्नतम अवस्था में हैं। इट मे बी ए जर्नी और ए वॉक, ए फीस्ट और ए फेयर, ए मीटिंग और ए गैदरिंग, ए सीरियस स्टडी और ए लेजर आवर, एंड मोस्ट ऑफ अस एग्जिबिट क्रास इग्नोरेंस ऑफ मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसेंसीज। इट मे बी ए जर्नी और ए वॉक, चाहिए कोई जर्नी हो, चाहिए कोई यात्रा हो सकती है, या ए वॉक या पैदल सैर हो सकती है, ए फीस्ट एक दावत हो सकती है, और ए फेयर एक मेला हो सकता है, ए मीटिंग एक मीटिंग हो सकती है, और ए गैदरिंग और एक सभा हो सकती है, ए सीरियस स्टडी एक गंभीर अध्ययन हो सकता है, और ए लेजर आवर या खाली समय हो सकता है। मोस्ट ऑफ अस एग्जिबिट क्रास इग्नोरेंस, मोस्ट ऑफ अस, हम में से अधिकांश, एग्जिबिट, एग्जिबिट शो, प्रदर्शित करना, दिखाना, क्रास, क्रास का मतलब है मूर्खतापूर्ण, मूर्खतापूर्ण जो है इग्नोरेंस, अज्ञानता ऑफ मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसेंसेज, अज्ञानता को प्रदर्शित करते हैं, मिनिमम, न्यूनतम, बेसिक, आधारभूत ह्यूमन डिसेंसेज, मानवीय शिष्टाचार की, आधारभूत मानवीय शिष्टाचार का जो न्यूनतम अज्ञानता है उसको प्रदर्शित करते हैं। लेट अस सी हाउ एंड वेयर वी लैक इन आवर सोशल बिहेवियर एंड कल्टिवेशन ऑफ सिविक सेंस। लेट अस सी, आओ हम देखें, हाउ, कैसे, एंड वेयर, और कहाँ, वी लैक इन आवर सोशल बिहेवियर, हमें जो है, हमारा जो सामाजिक व्यवहार है उसमें हमारे अंदर कहाँ कमी है, एंड कल्टिवेशन, एंड जो डेवलपमेंट है, जो परिष्कार है, जो ग्रोथ है ऑफ सिविक सेंस, और सिविक सेंस में या उसके डेवलपमेंट में कहाँ कमी है। कल्टिवेशन मीन्स डेवलपमेंट या ग्रोथ, परिष्कार। नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। ह्यूमन ईयर इज मीन्ड फॉर रिसीविंग साउंड ऑफ नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिबल्स। ह्यूमन ईयर, जो मानव के जो कर्ण है, कान है, इज मीन्ड फॉर रिसीविंग ए साउंड ऑफ नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिबल्स। जो साउंड की, ध्वनि की जो नॉर्मल रेंज है, डेसिबल्स की जो नॉर्मल रेंज है, उसको प्राप्त करने के लिए बने हुए हैं। साउंड रिसीव्ड बियॉन्ड दैट मेजर वुड नॉट ओनली बी जैरिंग बट ऑल्सो डैमेजिंग टू आवर हियरिंग सेंस ऑर्गन्स। साउंड रिसीव्ड, साउंड जो कि मिलती है, जो साउंड आती है, बियॉन्ड दैट मेजर, उस माप से ज्यादा अगर कोई दूर, अधिक अगर कोई साउंड होती है, वुड नॉट ओनली बी जैरिंग, जैरिंग मीन्स इरिटेटिंग, अनप्लीजेंट, अस्वाहनी, वो न तो न केवल जो है इरिटेटिंग होगी, न केवल अनप्लीजेंट होगी, अस्वाहनी होगी, बट ऑल्सो डैमेजिंग टू आवर हियरिंग सेंस ऑर्गन। हियरिंग सेंस ऑर्गन मीन्स श्रवणेंद्रियों को, कानों को, बल्कि हमारे जो कान हैं, हमारी जो श्रवणेंद्रियां हैं, उनको डैमेज करने वाली भी होंगी, यानी उनको नष्ट करने वाली भी होंगी। हाउ मेनी ऑफ अस टेक केयर ऑफ दिस, हमें से कितने लोग हैं जो इसकी परवाह करते हैं। इट मे बी ए टीवी प्रोग्राम, ये चाहे कोई टीवी प्रोग्राम हो, और ए रेडियो ब्रॉडकास्ट, या कोई रेडियो ब्रॉडकास्ट हो, प्लेइंग ए टेप रिकॉर्डर, या कोई फिर टेप रिकॉर्डर को बजाना हो, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, या फिर कोई भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट को बजाना हो। इवन ए गॉसिप, चाहे गॉसिप, गॉसिप मीन्स गपशप, आइडल टॉक, चाहे कोई गपशप हो, और ए चिट चैट इन द कंपनी, या फिर एक कंपनी में, एक संगति में जो है हल्की फुल्की बातचीत हो,
ऑल आर हर्ड एट अ वेरी हाई पिच, सभी को जो है काफी हाई पिच पर सुना जाता है। वी मे बी यूज टू इट, हो सकता है कि हम इसके अभ्यस्त हों, शायद हम इसके अभ्यस्त हो सकते, यूज टू का मतलब यह अभ्यस्त होना चाहिए, शायद हम इसके अभ्यस्त हो सकते हैं, बट वाट अबाउट दोज लिविंग अराउंड अस, लेकिन उनके बारे में क्या जो हमारे चारों ओर रहते हैं, आवर नेबर में भी ए सीरियस स्टूडेंट, हमारा पड़ोसी जो है एक सीरियस एक गंभीर अध्ययन करने वाला स्टूडेंट हो सकता है, ए सिक पर्सन एक बीमार व्यक्ति हो सकता है, और ए पीस लविंग बींग या फिर शांति चाहने वाला व्यक्ति हो सकता है। हैव वी एवर थॉट ऑफ हिम, क्या हमने कभी उसके बारे में सोचा है? हाउ मच अगोनी डू वी कॉज टू हिम और हर, हाउ मच अगोनी, अगोनी मीन्स फिजिकल और मेंटल पेन, कितनी उसको शारीरिक और मानसिक पीड़ा हम उसको देते हैं, डू वी कॉज टू हिम और हर, उसको प्रदान करते हैं, उसको उसका कारण जो है हम होते हैं। द नेबर बींग ए पर्सन ऑफ कूल टेम्परामेंट डज नॉट क्वारल विद अस और एंड सफर्स इन साइलेंस, द नेबर जो हमारा जो पड़ोसी है बींग ए पर्सन ऑफ कूल टेम्परामेंट, एक शांत प्रकृति का, कूल मीन शांत एंड टेम्परामेंट नेचर या प्रकृति या स्वभाव, एक शांत स्वभाव का व्यक्ति होने के कारण से डज नॉट क्वारल विद अस, वो हमारे साथ झगड़ा नहीं करता है, एंड सफर इन साइलेंस और शांति से चुपचाप जो है वो सफर करता है, पीड़ित होता है। द पुअर फेलो सर्च द विंडोज, वो बेचारा जो व्यक्ति है सर्च द विंडोज, खिड़कियों को बंद कर लेता है, एंड डोर्स को बंद कर लेता है, दरवाजों को बंद कर लेता है, एंड पुट्स कॉटन इन द इन हिज ईयर्स टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ हाई पिच्ड नॉइज, एंड पुट्स कॉटन और कॉटन को रुई को जो है अपने कानों में रख लेता है, टू रिड्यूस कम करने के लिए, रिड्यूस मीन्स कम करना, टू रिड्यूस द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट कहते हैं प्रभाव को, प्रभाव को कम करने के लिए, किसका प्रभाव, ऑफ हाई पिच्ड नॉइजेज, हाई पिच्ड जो नॉइजेज हैं, शोरगुल है, उसके प्रभाव को कम करने के लिए अपने कानों में रुई डाल लेता है। वेन शैल वी लर्न द सिंपल सिविक सेंस, हम ये जो सिंपल सिविक सेंस है, जो नागरिक बोध है, नागरिक भावना, उसको कब हम सीखेंगे? इट मे बी ए मैरिज सेरेमनी और एनी अदर फंक्शन, ए रिचुअल और अ प्रेयर, देयर इज जनरली ए फैशन ऑफ हायरिंग ए लाउड स्पीकर टू बी यूज द लाउडेस्ट बिसाइड्स एंगेजिंग ए बैंड एंड अदर मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड। इट मे बी ए मैरिज सेरेमनी, चाहे ये कोई मैरिज सेरेमनी हो, शादी समारोह हो, सेरेमनी मीन समारोह, और एनी अदर फंक्शन या कोई दूसरा फंक्शन हो, दूसरा कोई जो है फंक्शन हो, ए रिचुअल एक धार्मिक अनुष्ठान हो, रिचुअल मीन्स होता है धार्मिक अनुष्ठान, और ए प्रेयर या एक प्रार्थना हो, देयर इज जनरली ए फैशन, वहां सामान्य रूप से यह एक फैशन बन गई है ऑफ हायरिंग ए लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर को हायर करना, उसको किराए पर लेना, टू बी यूज्ड, यूज करने के लिए द लाउडेस्ट बिसाइड्स, अपनी लाउडेस्ट, अपनी सबसे उच्चतम आवाज में, बिसाइड्स एंगेजिंग ए बैंड, किसके किसके बजाय, एंगेजिंग ए बैंड, एक बैंड को एंगेज करने के बजाय या बैंड लाने के बजाय, अदर मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड, या जो साउंड उत्पन्न करने वाले जो दूसरे संसाधन है उनको लाने के बजाय। द पिच इज केप्ट सो हाई, और इसका पिच इतना ज्यादा रखा जाता है, इतना ऊंचा रखा जाता है, द सेंसिटिव बींग्स गेट शॉक्ड, कि जो सेंसिटिव, जो संवेदनशील, सेंसिटिव मीन संवेदनशील बींग, प्राणी, संवेदनशील जो प्राणी है, गेट शॉक्ड, वो सदमे में आ जाते हैं या दहशत में आ जाते हैं। इवन द स्टोन्स और ब्रिक्स ऑफ ए बिल्डिंग सेड, यहां तक कि स्टोन्स ऑफ और ब्रिक्स, यहां तक कि जो पत्थर हैं या जो ईंटे हैं, ब्रिक्स में से ईंटे, ऑफ ए बिल्डिंग सेट, और बिल्डिंग की पत्थर और ईंटें भी जो है हिलने लग जाती हैं, एंड द इम्प्रेशन इज गैदर्ड दैट द बिल्डिंग में कोलैप्स वन डे बिकॉज ऑफ दिस, एंड द इम्प्रेशन इज गैदर्ड, और ऐसा इम्प्रेशन आता है, ऐसा आभास होता है दैट द बिल्डिंग में कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब फॉल डाउन, कि ये जो बिल्डिंग है वो कभी भी फॉल डाउन गिर सकती है, वन डे बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण से ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। द व्हीकल्स स्पेशली द ट्रक्स, द व्हीकल्स स्पेशली द ट्रक्स, विशेष रूप से ट्रक्स, मेक लिविंग अनबियरेबल, इवन द ड्राइवर्स ब्लो द हॉर्न नॉट ओनली लाउडली बट ऑल्सो इंसेसेंटली एंड दैट टू ऑफन विदाउट एनी रीजन। द व्हीकल्स जो संसाधन है, स्पेशली द ट्रक्स, विशेष रूप से जो ट्रक्स हैं वो मेक लिविंग अनबियरेबल, वो जो जीवन है उसको अनबियरेबल, सहनीय बना देते हैं। इवन द ड्राइवर्स ब्लो द हॉर्न नॉट ओनली लाउडली, यहां तक कि इवन द ड्राइवर्स ब्लो द हॉर्न, ड्राइवर जो है वो हॉर्न को बजाते हैं नॉट ओनली लाउडली, न केवल जोर से, बट आल्सो इनसेसेंटली, बल्कि लगातार,
एंड दैट्स टू ऑफन विदाउट एनी रीजन, और वो भी बिना किसी कारण के. द नॉइज पॉल्यूशन कॉज्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सिविक सेंस, और जो नॉइज पॉल्यूशन जो है ये कॉज्ड, ये उत्पन्न किया जाता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सिविक सेंस, सिविक सेंस की कमी, नागरिक बोध की कमी की वजह से जो है नॉइज पॉल्यूशन जो है उत्पन्न किया जाता है, इसका कारण होता है. एंड केयरलेस सोशल बिहेवियर, और असावधानीपूर्ण जो सोशल सामाजिक जो बिहेवियर है, सामाजिक जो व्यवहार है, मार्क्स द सेंसिबिलिटीज ऑफ आवर पीपल एट लार्ज एंड अफेक्ट आवर एफिशिएंसी. मार्क्स स्पॉइल्स, मार्क्स का मतलब स्पॉइल्स, उसको गंदा कर देता है. द सेंसिबिलिटीज, संवेदनशीलताओं को जो है गंदा कर देता है, उनको नष्ट, ऑफ आवर पीपल, हमारे लोगों की जो संवेदनशीलता है उनकी संवेदनशीलता को स्पॉइल कर देता है, उनकी एट लार्ज इन जनरल सामान्य रूप से उनकी जो संवेदनशीलता है उनको स्पॉइल कर देता है. एंड अफेक्ट्स आवर एफिशिएंसी, और हमारी जो एफिशिएंसी है, हमारी जो क्षमता है, योग्यता है, उसको प्रभावित करता है. ट्रेवल बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जो सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट यातायात के जो साधन है उनसे ट्रेवल करना. वी ऑल ट्रेवल बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हम सभी जो है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, गाड़ियां वगैरह हैं, ट्रेन है, बस है, इनसे जो है क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं, ट्रेन और बस, एंड हैव हैड मैनी बीटर एंड सैड एक्सपीरियंस. हम जो सभी जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे ट्रेन और बस से हम यात्रा करते हैं, एंड हैव हैड मैनी बीटर एंड सैड एक्सपीरियंसेस, और बहुत सारे कटु, बीटर मीन्स कटु, एंड सैड और दुखद जो है एक्सपीरियंसेस हमने अनुभव किए हैं. ऑर्डरली एक क्रम में क्यू सिस्टम एट द टाइम ऑफ आइदर परचेजिंग द टिकट्स और बोर्डिंग द ट्रेन बस इज रेयरली फॉलोड. ऑर्डरली के क्रम में जो है क्यू सिस्टम, जो क्यू सिस्टम है पंक्ति का जो सिस्टम है, एट द टाइम ऑफ आइदर परचेजिंग द टिकट, चाहे वो टिकट खरीदते समय हो और बोर्डिंग द ट्रेन और बस, या फिर ट्रेन या बस में बोर्डिंग, बोर्डिंग का मतलब बस में चढ़ना, ट्रेन या बस में चढ़ने के समय हो, इज रेयरली फॉलोड. तो जो क्यू सिस्टम है, पंक्ति का जो सिस्टम है, इज रेयरली, मुश्किल से ही उसको फॉलो किया जाता है. एवरी वन इन हिज सेल्फ इंटरेस्ट फ्लाउट्स द जेन्युइन राइट्स ऑफ अदर्स. एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति जो है इन हिज सेल्फ इंटरेस्ट, अपने स्वहित में, अपने खुद के हित में फ्लाउट्स, निरादर कर देता, निरादर करता है. किनका निरादर करता है? द जेन्युइन राइट्स ऑफ अदर्स, जेन्युइन मीन्स प्रॉपर, जो उचित राइट्स ऑफ अदर, दूसरों के जो उचित अधिकार हैं उनका निरादर करता है. दोज हु आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग ए सीट वुड वेरी रिलक्टेंटली परमिट अदर्स टू सिट इवन ऑन द नेबरिंग वेकेंट सीट. दोज वे हु आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग ए सीट, जिन्होंने पहले से ही एक सीट को ऑक्यूपाई कर लिया है, वुड वेरी रिलक्टेंटली, वो बहुत ही अनिच्छापूर्वक, रिलक्टेंटली मीन्स अनिच्छापूर्वक, परमिट अदर्स, दूसरों को परमिशन देते हैं टू सिट इवन ऑन द नेबरिंग वैकेंट सीट, जो पास की जो नेबरिंग वैकेंट सीट, पास की जो खाली सीट पर है उसको बैठने की अनुमति बड़ी मुश्किल से देते हैं. वेन दे डू सो, और अगर वे जब वे ऐसा करते हैं, दे ग्रैब अबाउट हाफ ऑफ दैट वैकेंट सीट आल्सो, तो दे ग्रैब, ग्रैब का मतलब हथिया लेते हैं, अबाउट हाफ ऑफ दैट वैकेंट सीट आल्सो, उसकी जो आधी वैकेंट सीट है उसको भी वो हथिया लेते हैं. द थॉट ऑफ गिविंग हेल्प टू अदर नीडी वंस रियली स्टिज देम. The thought of giving help to other needy ones, जो दूसरे जो जिसको आवश्यकता है, जो needy व्यक्ति है, उस व्यक्ति की मदद करने का जो विचार है, rarely stays them, वो मुश्किल से ही उनको झकझोरता है. Some people are fond of chewing beetles and with tobacco. कुछ लोग जो है are fond of means होता है शौकीन होना, वो शौकीन होते हैं of chewing, चबाने के, beetle, पान, with tobacco, तंबाकू के साथ पान चबाने के शौकीन होते हैं. They spit and speed frequently all around showing no respect for public property. They spit, और वो थूकते हैं, spit का मतलब थूकना, spit and spit frequently, बार बार थूकते हैं, all around, चारों ओर, showing no respect for public property. Public property जो सार्वजनिक संपत्ति है उसके प्रति कोई भी सम्मान प्रदर्शित नहीं करते हुए वो बार बार थूकते हैं. They forget that they have paid for journey and not for spoiling the train or bus. They forget, वो भूल जाते हैं, that they have paid for journey, कि उन्होंने यात्रा के लिए पे किया है, and not for spoiling the train or bus, और ट्रेन या बस को गंदा करने के लिए पे नहीं किया है. They throw all rubbish and leftovers wherever they so desire. They throw, वे फेंकते हैं all rubbish, सारा कूड़ा कचरा, rubbish means कचरा, and leftovers, leftovers means जूठन, जूठन फेंकते हैं,
वेयर एवर दे सो डिजायर, जहाँ कहीं भी उनकी इच्छा होती है, जहाँ कहीं भी ऐसा चाहते हैं। आवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आवर रोड्स एंड स्ट्रीट्स, आवर पब्लिक प्लेसेस एंड बिल्डिंग्स आर सीन लिटर्ड विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टिंकिंग रिफ्यूज दैट टेल्स अपॉन आवर हेल्थ एंड वीगर। आवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, आवर रोड्स, हमारी सड़कें एंड स्ट्रीट्स, गलियाँ, आवर पब्लिक प्लेसेस, हमारे सार्वजनिक स्थान एंड बिल्डिंग्स और इमारतें आर सीन लिटर्ड, वो मेड डर्टी, लिटर्ड मीन्स मेड डर्टी, गंदी की जाती हैं विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टिंकिंग रिफ्यूज, ऑल सॉर्ट्स ऑफ सभी प्रकार के स्टिंकिंग बदबूदार रिफ्यूज से, जो अवशेष है उनसे, जो कूड़ा कचरा उससे, दैट टेल्स अपॉन, जो कि बुरा प्रभाव डालता है, टेल्स अपॉन का मतलब होता है बुरा प्रभाव डालना, आवर हेल्थ एंड वीगर, हमारी जो हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव डालता है, एंड वीगर, वीगर कहते हैं एनर्जी, एंथुजियाज्म, ओजस्विता, शक्ति, हमारी जो कार्यक्षमता है उस पर बुरा प्रभाव डालते हैं। इन स्पाइट ऑफ द स्टेट्यूटरी वार्निंग स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, वी डू नॉट नोटिस एनी स्लम्प इन द सेल ऑफ सिगरेट्स और बीडीज। इन स्पाइट ऑफ स्टेट्यूटरी वार्निंग, स्टेट्यूटरी मीन्स लीगल, वैध या कानूनी जो वार्निंग है, चेतावनी है, उसके बावजूद भी, इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए घातक है, ये वैधानिक चेतावनी है, उसके बावजूद भी वी डू नॉट नोटिस, हम नहीं देखते हैं एनी स्लम्प, कोई फॉल, कोई गिरावट, स्लम्प मीन्स फॉल, कोई फॉल, कोई गिरावट नहीं देखते हैं इन द सेल ऑफ सिगरेट्स एंड बीडीज, सिगरेट्स और बीडीज में कोई उसकी जो बिक्री है उसमें कोई गिरावट नहीं देखते हैं। द पिटी इज द स्मोकर्स इन देयर ओन एन्जॉयमेंट डू नॉट थिंक ऑफ द पीपल, द पिटी इज, दयालु तक दया की बात यह है, इज पिटी इज द स्मोकर्स, कि यहाँ तक कि जो स्मोकर्स हैं, जो धूम्रपान करने वाले व्यक्ति हैं, इन देयर ओन एन्जॉयमेंट, अपने स्वयं के एन्जॉयमेंट में, अपने स्वयं के आनंद में, डू नॉट थिंक ऑफ द पीपल अराउंड देम, वो डू नॉट थिंक, वो नहीं सोचते हैं ऑफ द पीपल, उन लोगों के बारे में, अराउंड देम, जो उनके चारों ओर जो लोग हैं उनके बारे में नहीं सोचते हैं, जो स्मोकर्स हैं वो अपने चारों ओर के जो लोग हैं उनके बारे में नहीं सोचते हैं। समटाइम्स द सराउंडिंग्स बिकम अनफिट फॉर ब्रीथिंग, यहाँ तक कि कभी कभी जो पास पास का जो सराउंडिंग, जो वातावरण है, बिकम अनफिट, वो अनफिट हो जाता है फॉर ब्रीथिंग, श्वास लेने के लिए अनफिट हो जाता है, अनुकूल नहीं रहता है। तो पैसिव स्मोकिंग कॉजेज मोर हार्म, और पैसिव जो निष्क्रिय स्मोकिंग है वो कॉजेज मोर हार्म, वो अधिक जो है नुकसान पहुंचाती है। पैसिव स्मोकिंग यानी दूसरा, अगर कोई धूम्रपान कर रहा हो और जो दूसरा व्यक्ति पास में खड़ा है वो उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, तो ये पैसिव स्मोकिंग होती है। थैंक्स अलॉट, ये अपना इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट यहीं समाप्त होता है। थैंक्स अलॉट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलें, ताकि अगले जो इसके पार्ट आएंगे वो भी आप देख सकें। थैंक्स अलॉट अगेन।